दोस्तों, ये जो एयरफोर्स में एप्लीकेशन निकली हैं 1515 वैकेंसीज़, तो दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है। और दोस्तों इसमें एक कॉलम है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसमें जो भी आपकी पोस्ट है LDC MTS HKS जो भी, वो भर देना है। और दोस्तों इन जो यूनिट है दोस्तों, इसमें जैसे आपकी आप एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला के लिए भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लिखना है AF अम्बाला। एयरफोर्स स्टेशन पालम के लिए भरना चाहते हैं दोस्तों आपको लिखना है AF पालम। और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के लिए भरना चाहते हैं दोस्तों, इसके में आपको भरना है AF चंडीगढ़। तो आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है दोस्तों, जो भी आपकी है। एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो दोस्तों है 3 मई 2021। तो दोस्तों इससे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ घटा देना है, जो भी ईयर मंथ और डेज निकल के आएंगे वो आपको भर देना है। इसके लिए दोस्तों कई सारी ऐप हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एज कैलकुलेटर करके, उस पर आपको दोस्तों भर देना है दोनों तरफ। ऊपर भरना है आपको किस डेट से निकालना चाहते हो, नीचे डेट ऊपर उससे माइनस करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन बताते वक्त आपको मैक्सिमम 12th ही बताना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा एजुकेशन होने पे कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए आप अपने एजुकेशन 12वीं तक ही दिखाना पोस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है तो ग्रेजुएशन दिखाना, क्योंकि दोस्तों इससे आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने की संभावना घट जाती है। इसमें एनी अदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस में दोस्तों आपको नो कर देना है। और दोस्तों टेक्निकल एक्सपीरियंस में भी इसमें आपको नो कर देना है। और दोस्तों इसमें आपको पूछा डोमिसाइल, तो दोस्तों अगर आप चंडीगढ़ के हैं तो चंडीगढ़ भर दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भर दीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद अगर वेदर रजिस्टर आप एम्प्लॉयमेंट एक्शन में रजिस्टर नहीं है तो दोस्तों नो कर दीजिए, या रजिस्टर्ड है तो यस कर दीजिए। उसके बाद इसका नंबर नीचे लिख दीजिए। और दोस्तों इधर लिखा है कि आई हेयर बी सर्टिफाइड डेट, अब मतलब ये जितना भी डिटेल दी गई है मेरे द्वारा सब कुछ सही है। तो दोस्तों इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट से थोड़ा ऊपर ही सिग्नेचर होना चाहिए, इससे टच नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसमें आपको उस डेट लिख देनी है जिस दिन आपका भरा गया है। ऑफिस रिकॉर्ड ओनली वाला है दोस्तों, इसमें आपको कुछ छीन नहीं छेड़ना है, ये सबको सब ये अपने आप भरेंगे। इसके बाद एक्नोलेजमेंट कार्ड, इसमें दोस्तों पोस्ट ऑफ में दोस्तों आपको अपने पोस्ट भर देनी, जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है, जैसे मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भरा, मल्टी टास्किंग स्टाफ नेम भी आपको भर देना, फादर नेम भी आपको भर देना, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस भी आपको भर देना, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज भी आपको भर देना, ये सब आपको भर देना। इंडेक्स नंबर में आपको कुछ नहीं भरना, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट इसमें आपको कुछ नहीं भरना, वेन्यू और रिटर्न टेस्ट इसमें आपको कुछ नहीं भरना, सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। लेकिन दोस्तों आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाने हैं, जो दोस्तों आप फोटोग्राफ के ऊपर साइन करेंगे, आधा फॉर्म के ऊपर आना चाहिए, आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए। दोस्तों साथ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा देना है, बर्थ सर्टिफिकेट साथ साथ दोस्तों आपको अपना 10th का सनद लगा देना है, 10th की मार्कशीट लगा देनी है, 12th का मार्क्स सनद लगा देनी है, 12th की मार्कशीट लगा देनी है। दोस्तों दो मिसाइल हो तो दोस्तों वो भी आपको लगा देना है। और दोस्तों इन सारे के सारे सर्टिफिकेट को अपना सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको भेजना है। और दोस्तों आपको ये जो मैं एनवलोप दिखा रहा हूँ, इस एनवलोप में आपको जैसे टॉप पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट हो, LDC हो, ASK हो, चाहे MTS हो, जो भी हो दोस्तों वो आपको रख देना है। एंड कैटेगरी जो भी जनरल हो, OBC हो या SC ST हो, दोस्तों आपको भर देनी है। और दोस्तों नीचे आपको जिस जहाँ पर भी आपको भेजना है, जैसे टू एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली पिन 110010, इस तरह आपको लिख देना है। एनवलप के पीछे आपको अपना एड्रेस डाल देना है फॉर्म करके, ऐसे मैंने लिखा है गौरव कुमार, हाउस नंबर 903, सेक्टर 19, चंडीगढ़, पिन 160019। तो आपको एक एक्स्ट्रा एनवलप लेना है, और जिस तरह मैंने इसमें लिखा है टू गौरव कुमार, हाउस नंबर 903, सेक्टर 19, चंडीगढ़, 160019, इस तरह। और साथ ही साथ इस एनवलप पर आपको 10 रुपये का पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लेना है, और दोस्तों इस पर आपको लगा देना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको अपनी 2 फोटोग्राफ भी डाल देनी है, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाई है। और दोस्तों इस तरह आपकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ इस फॉर्म को भरने की कंप्लीट हो जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा पूरा का पूरा फॉर्म तैयार हो गया है, ये मैंने पूरा का पूरा तैयार कर लिया है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे फॉर्म मैंने सेल्फ अटेस्ट कर लिए हैं। ये देखिए सारा का सारा सिस्टम मेरा सेट है। और दोस्तों इस तरह आपको ये स्टेपल करके, ये सारे के सारे आपको स्टेपल करना है दोस्तों। और दोस्तों इसको आपको
इस सारे के सारे तामझाम को आपको फोल्ड करना है और दोस्तों ये जो आपका इन्वेलप है इसमें आपको इसको डाल लेना है। देखो दोस्तों मैंने इसको अंदर डाल दिया है, सारे के सारे लिफाफे को डाल के दोस्तों इसमें आपको अच्छे से टेप लगा के इसको बंद कर देना है। और दोस्तों इसको आप साधारण डाक से या दोस्तों आप इसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं आपको कैसे भेजना है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप इसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह आपको फ्रंट में लिखना है, इस तरह आपको बैक में अपना एड्रेस लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सेटिस्फेक्ट्री लगी होगी। बाकी दोस्तों आपको कुछ सवाल है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। दोस्तों बाय।